त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के मतगणना की प्रक्रिया 2 मई को सुबह 8 बजे से जनपद के 20 विकास खंडों पर शुरू हुई, जिसमें ग्राम प्रधान के 1294, जिला पंचायत सदस्य के 68 पदों के अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के प्रत्याशियों की भी मतगणना शुरू की गई। मतगणना के लिए प्रत्येक केंद्र पर 4-4 टेबल लगाए गए और क्रमवार मतपत्रों की गिनती शुरू हुई। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मतगणना केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया था तथा सभी प्रत्याशियों के एजेंटों की एवं मतगणना कर्मियों को मास्क लगाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना सुनिश्चित कराया गया था। मतगणना केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांड्यान और एसएसपी दिनेश कुमार पी ने सभी मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल 15 अप्रैल को हुए पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू होते ही प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ गई और देर शाम तक परिणाम भी आने शुरू हो गए। उम्मीद है कि देर रात तक सभी पदों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं वो कृपा करके मंच पे तत्काल पहुंचे। बूथ नंबर 1 से रायपुर एकमा बिहार घाट चौतहा उसके अलावा हमें किसी ग्राम सभा के प्रत्याशी एजेंट नहीं रहेंगे। पुलिस से निवेदन है कि 3 में ग्राम पंचायत के प्रत्याशी और प्रत्याशी एजेंट आई कार्ड चेक कर रहे हैं। बूथ नंबर 4 भीड़ मत लगाइए, मास्क पहनिए सभी। कोरोना भयंकर फैला हुआ है, कोरोना भयंकर फैला हुआ है। आपको चुनाव में जीतेंगे, कोरोना से हारेंगे कोई फायदा है क्या? दूरी बनाइए, एक दूसरे के दूरी बनाइए, आपका जो रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। मास्क पहनिए, दूरी बनाइए। ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, सबसे छोटा मेरा इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, दूसरे पहले रिजर्व वाले की जल्दी मंगा दो, अतिरिक्त हो जाएगा ना, ये जल्दी हो जाएगा। आपको पोस्ट कहीं दूसरे जगह अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा खींचोगे थोड़ा लग जाओ। अब पहले से करोगे तो 3-4 बजे तक के समाप्त हो जाएगा। थोड़ा मोटिवेट करते रहना, हो जाना चाहिए, प्रयास तो यही है। और वीडियो ना होने की वजह से सर ज़्यादा दिक्कत, वीडियो नहीं है, वीडियो साथ से तो भी बनाकर सरकार